नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रियलिटी शो के बारे में। ये रियलिटी शो बहुत ज्यादा ही चल रहा है और मेरे को नहीं पता कि ये क्यों चल रहा है। मतलब इन लोगों का ये सीन है कि 10 में से एक बंदा ऐसा चूज करते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, इस शो का नाम है रोडीज। तो आज हम उसी शो का एक एपिसोड देखने वाले हैं। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यार, तुम चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मैं तो यही कहूंगा। We have the next contestant, please. Hello, good morning, sir. Energy अच्छी लगी, इस energy को नीचे मत होने दियो। नीचे मत, energy चलती रहनी चाहिए। Okay, कोई बात नहीं। अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम, कहाँ से आए? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये बातें ना मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले मेरी बात सुनो यार, तुम लोगों का शो इतना बढ़िया चल रहा तो यहाँ पे झाड़ू तो लगवा लिया करो। अरे देख रहे हो कितनी मट्टी डोल रही है यहाँ पे। चलो कोई नहीं सर, ये सारी बातें भी छोड़ देते हैं, ये तो चलता रहता है बड़े बड़े शो में, ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। पर नेहा मैडम, मैं तो कहता हूँ मेरे बस का ही नहीं ऑडिशन देना, आप मेरे को यूं ही पास कर दो। 2000 रुपए के पूरे नोटों के बंडल पड़े हुए जेब में, जो बाहर निकलने के लिए छलांगे लगा रहे हैं। अब मुंह से मत बोलो, अरे नहीं वो नहीं मांगेंगे, आप मुंह से मत बोलो, आप आंख से इशारा कर दो, आप पलक झपका दो, मैं पीछे जाके पैसे पकड़ा दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है मैडम, बहुत अच्छा। अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम, कहाँ से आए? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, बट आई वाज बोर्न इन दिल्ली। नहीं तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसे बोलूंगा? अबे सालो, ऑडिशन पे आया हूँ, अपने किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं आया हूँ मैं, जो अपनी शरीफाई दिखाते रहूं तुम लोगों को। मैं दिल्ली से हूँ। देखो यार, बाकी सब तो बहुत हो गया, मेरे को ना कोई टास्क दे दो जो मैं करूँ और यहाँ से तेजी में जाऊँ। देख, चार बार घंटी बजानी है। कौन सी घंटी बजानी है, वो वाली है ये वाली? ठीक है, गुड पॉइंट। अरे तुम रोडीज के जजेस हो या फिर पुजारी हो मंदिर के? जो घंटा बजवाने चले हो हमसे, कोई सवाल वाल है वो पूछो यार, जल्दी जाने दो मेरे को। तुम्हारी तरह वेला बेरोजगार नहीं हूँ मैं, दूसरों से सवाल पूछते रहूँ अंडरस्टैंड। सवाल ये, हैव यू एवर हिट एनीवन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर? या इफ यस एलैबोरेट, बताइए क्या हुआ था। हाँ सर, ये वाला सवाल जो है वो थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो सर उस टाइम मैं सरकारी स्कूल में था, तो सर हमारे स्कूल के सामने में एक प्राइवेट स्कूल था, तो उसकी लौंडिया मेरे को बहुत पसंद आ गई, तो मैं उसको डेली छोले भटूरे और अंडा पराठा खिलाता था, तो सर सेट हो गई मेरे से, तो बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। पर सर बाद में ये मेरे को पता चला कि मेरे अंडे पराठे के साथ साथ वो किसी की सिल्क चॉकलेट भी खा रही है और किसी का गन्ने का जूस भी पी रही है। तो सर ये बात मालूम पड़ते ही मेरा मत्था पे लग गया, मैंने उस लड़की को बुलाया और साथ में उन 5-6 लौंडों को बुलाया और उन सारे लौंडों के सामने लड़की के थूथ पे ऐसा थप्पड़ दिया था सर, घुमा के नाचती फिरी पूरे स्कूल के 4 राउंड लगा दिया बंदी ने खेत काट के। और मैं चाहता तो इससे भी बुरा कर सकता था उसके साथ। क्या कर सकता था और भी? सर उसके बाप के पास पहुंच जाता मैं बोलने के लिए कि आपकी बेटी देखो ये क्या कर रही है। तुम्हें क्या लगा था ये बोलूंगा मैं? अरे दिल्ली से हूँ, पहले तो उसके बाप के घर पे जाता और सीधा बोलता कि अंकल जी आपकी बेटी ने ना मेरा 30 रुपए के हिसाब से 5 साल तक छोले भटूरे खाए हैं, तो इसके हिसाब से करीबन 54,000 रुपए हो गए, वो मेरे को पैसा पकड़ा दो, अपनी बेटी अपने पास रखो, जो मर्जी वो करे। इतना तो मुझे भी पता है कि अगर किसी की भी बच्चे की शिकायत उसके पेरेंट्स के पास लेके जाओ ना, तो घर वाले उसके 2-4 सुनाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है आगे से नहीं होगा। पर अगर उनके पेरेंट्स के सामने ये बोल दो कि इसने मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कर दिया है, तो मिनट से पहले घर वाले भी झाड़ू से मारना चालू कर देंगे सर। मतलब यू कुड हैव डिस्ट्रॉयड हर रेपुटेशन बट यू ओनली हिट हर। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। और क्या करता तू आगे जाके? क्या ओ भैया, मेरे को नहीं देना तुम्हारे यहाँ ऑडिशन वॉडिशन, मैं चला अपने घर को। अरे तुम्हारी बुद्धि बुद्धि फिर गई है क्या? तुम्हें कौन अधिकार दे रहा है मेरी जिंदगी में? घुसे जा रहे हो। अरे एक छोटा सा शब्द बता दिया, पीछे ही पड़ गए यार बिल्कुल ही। और तुम लड़कियों, मैडम जी तो ये बात बताओ मेरे को, तुम लड़कियों की हिमायती क्यों बन रही हो इतनी? यार लड़कियां अगर गलत करेंगी तो क्या उनको सजा मिलना ठीक नहीं है? अगर ये चीज हम करते तो लड़का हमारा हरामी है, बॉयफ्रेंड हमारा कमीना है, कुत्ता है, लड़के हरामी होते हैं, लड़के 4 लड़कियों के साथ इकट्ठा घूमते हैं, लड़के गंदी शक्ल के होते हैं, सब कुछ। मतलब लड़की की एक गलती पे अगर एक थप्पड़ ही मार दिया तो उस पर तुम्हारी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कतई बावले हो गए तुम लोग अपने ना। ये जो स्टूपिड क्वेश्चन है ना, तुम लोग अपनी ना अंदर ही घुसेड़ लो जेब में। एंड यू आल्सो हिट योर फादर। अगल बगल हो गया बिल्कुल ही। अरे फॉर्म में पहले ढंग से पढ़ तो लो यार, धक्का दिया है, मारा नहीं है, धक्का दिया है। पापा मेरे को मार रहे थे तो अचानक से मम्मी बीच में आ गई,
तो फिर पापा ने मम्मी को भी धक्का दे दिया, तो मेरे को आ गया गुस्सा, तो मैंने पापा को धक्का दिया, मारा नहीं है, पहले आप लोग फॉर्म ढंग से पढ़ लिया करो, रोडीज में हो क्या रोड पे बैठे हुए हो। और बाद में मेरे को एहसास हुआ कि ये चीज मेरे को नहीं करने चाहिए थे, तो मैंने हफ्ता भर बैठ के पापा से सॉरी बोला है। अपने फादर को धक्का मारा? हफ्ते भर उनके पैर भी दबाए मैंने। एक हफ्ता सॉरी बोला? हाँ। ठीक लगा तूने किया? हाँ मेरे को ठीक लगा। एक हफ्ता सॉरी क्यों बोला? देखो यार मुझे नहीं पता ये शो कैसे टिका पड़ा है इतनी देर तक, पर यार नॉर्मली अगर किसी बंदे को गुस्सा आ जाता है तो वो कोई ना कोई काम बिगाड़ ही देता है, जैसे इस बंदे ने अपने पापा को धक्का दे दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की ही होंगी। हमें गुस्सा आ जाता है तो हम कुछ भी फेंक देते हैं यार, जैसे यहाँ से उठा के हम मिर्ची फेंक देते हैं, यहाँ से उठा के हम अपना फोन तोड़ देते हैं, पर यार हो जाता है यार गुस्से में, पर जैसे ही एहसास होता है कि नहीं यार हमने गलत किया, तो उसी दौरान हम ये भी करते हैं कि हम सॉरी बोल देते हैं जिसका फोन होता है, या मम्मी को बोल देते हैं सॉरी मम्मी मैंने मिर्ची फेंकी। पर यार ये नॉर्मली चीज होती है यार, ये इस बात पे भी तुम लोग लड़ाई कर रहे हो भाई साहब, दुखी हो चुका हूं मैं, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं भी यही कहूंगा। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो यार करके ही जाओ, मैं तो यही कहूंगा, और बेल आइकन यार दबा देना यार, कर देना सब्सक्राइब। चलो ठीक है फिर मिलते हैं। राहुल जो चैनल सब्सक्राइब ना करे उसको माता रानी वाला मैसेज भेज दियो।